हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम ए पॉइंट पी 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल अ टेंजेंट पीटी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक सर्कल है और सर्कल से 10 सेंटीमीटर दूर बाहर एक पॉइंट है पी, ठीक है, ये ओपी हो गया 10 सेंटीमीटर। उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है और टेंजेंट का लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या करना है, सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन ओटी, ओटी को जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, जो ओटी होगा इस वो पीटी के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये थ्योरम है क्या कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट, वी नो डैट, लिख लेते हैं इसको, वी नो डैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल इज ठीक है। क्या थ्योरम है, वी नो डैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, कि सर्कल पे जो हम टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है, जो टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उस पॉइंट को एक स्पेशल नाम से बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और अगर उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर हम सर्कल के सेंटर को जोड़ दें तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, हमें परपेंडिकुलर नहीं बनाना होता है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ओटी को जोड़ दिया, ज्वाइन ओटी, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ओटी इज परपेंडिकुलर टू पीटी, ये थ्योरम हो गया। तो देयरफॉर क्या डायरेक्ट लिखते हैं, इन राइट ट्राइंगल ओ पी टी, राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड हमें पता है तो थर्ड साइड आराम से निकल जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इन राइट ट्राइंगल ओ पी टी, तो ये क्या हो गया, ओ पी जो है वो हाइपोटेनस हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। तो ये हो गया 10 का स्क्वायर इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 100 इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस 64 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आ गया ओ टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, OT इक्वल टू 6, OT का वैल्यू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो काफी बेसिक क्वेश्चन था, ये हो गया कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।